Zoom in ako din dito. रिकॉर्डिंग में लिख करिएगा, हाँ जूम कर दीजिएगा, ठीक है ना? कर दिए, हाँ इसे बनाएंगे वगैरह दीजिए। मास्टर को बैठा दीजिए। रोशन भाई को खाए हुए हो। कैमरा बना नीचे रखिएगा, ठीक है? चेहरा के नीचे रखिए, चेहरा में रखिए। आज फायदा का मास्टर कौन है? नहीं ठीक, नीचे रखिए ना। मास्टर भी कौन है? नहीं नीचे रखिए, ठीक है? हाँ चलो, जूम किया हुआ है, नीचे रखिए, ठीक है? जूम बैक नीचे रखिए, ठीक है? चेहरा कैप करिए, ठीक है? बोर्ड में दिखा देंगे। अच्छा बोर्ड में मजबूरी में आया, ऐसी जब कुछ लिख कर पढ़ा रहे ना, चेहरा कैप कर, ठीक है? ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे, ठीक है? पढ़ाएंगे तो बताइए, सब आता चेहरा उससे में मतलब नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा खाली लफ्ज आने का, ठीक है ना? चेहरा कैप कर, ठीक है? ठीक है, पिछले हम लोग क्या किए थे, ये तो बहुत सारा कुछ और कुछ किए थे, रिवाइज करा देते हैं। अहम चीज़ हम लोग किए थे पिछले दफ़ा, तकदीरी एराब, ठीक है? तकदीरी एराब हम लोग किए थे। आप लोग दो कैटेगरी बनाए हैं इसम का, ठीक है? एक कैटेगरी क्या बताया था, मोहरम, दूसरा क्या बताया था, मबनी, ठीक है? तो मोहरम में एक होता है ज़ाहिरी एराब, इसका हालत, इसका एराब का अलामत, चाहे वो असली अलामत हो दम्मा फतहा कसरा हो, चाहे वो फरही अलामत हो अलिफ वाव या वाव या, वो सब क्या जाहिर होता है, ठीक है? लेकिन उसके बाद दूसरा किसे माप किए, मुअरब अस्मा का ही नीचे में क्या बनाया, तकदीरी एराब, ठीक है? पर जिसका तीन हालत भी होता है, लेकिन तीनों हालत क्या होता है, क्या होता है, पोशीदा होता है, जाहिर नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मुकद्दरा, माने ये भी मरफू होता है, लेकिन आसानी के लिए क्या किया गया, उसको मरफू, उसका दम्मा को क्या कर दिया गया, पढ़ा नहीं जाता है वैसे ही लिखा भी नहीं जाता है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं, तकदीरी एरा, माने इसका तीन हालत है, मरफू होता है, मंसूब होता है, मजरूर होता है, सब होता है, तीनों होता है, ठीक है? लेकिन उसका एक अलामत है, मरफू का अलामत, मंसूब का अलामत, मजरूर का अलामत, वो जाहिर नहीं होता। क्यों जाहिर नहीं होता, कारण एक क्या है, आसानी के लिए, ताकि बोलने में क्या आसानी हो, मुश्किल नहीं हो बोलने के लिए, ठीक है? तुमने समझ आता है क्या, इसका हालत क्या है, अलामत क्या है, पोशीदा है, क्या क्या है, अरबी में उसको मुकद्दरा, ठीक है? अब देखिए, तो इसमें पहला किस्म तो क्या कि तकदीरी एराब, इसमें किस में पाया जाता है, तीन उसका अनवा पढ़े हम, अनवा माने किस्म, ठीक है? पहला किस्म क्या पढ़े हैं, मकसूर अस्मा, मकसूर अस्मा उस अस्मा को कहते हैं जिसके एंड में आखिर में क्या होता है, जज्बे अलिफ होता है, उसको क्या कहते हैं, मकसूर अस्मा, चाहे अलिफ बगैर दोनों, ये क्या कहते हैं, कौन सा अलिफ है, अलिफ मकसूरा, ठीक है? तो जिसका नुकता नहीं होता, क्या कहते हैं, उसका अलिफ मकसूरा हो या डायरेक्ट अलिफ हो, जिस इसम के आखिर में अलिफ होता है, एकदम होता होता ही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मकसूर कहेंगे, ठीक है? और ठीक है, वो इसम का ऊपर में, वो इसम में जो हालत होगा, उसका एराब होगा, मरफू का, मंसूब का, मजरूर का, अलामत जाहिर नहीं होगा। देखिए मरफू में क्या है, अल मुस्तशफा, आखिर में क्या है, अलिफ है, ठीक है? जो बगैर नुक्ता वाला या, ठीक है, क्या समझा जाएगा कि इसमें क्या है, अल मुस्तशफयू नहीं है ना, अल मुस्तशफयू नहीं है, देख रहे हैं, ठीक है? क्या है मरफू का अलामत, क्या इसमें कहेंगे हम, दम्मा मुकद्दरा, दम्मा है लेकिन क्या है, मुकद्दरा है। मंसूब में क्या होगा, वही अल मुस्तशफा, दम्मा, दम्मा मुकद्दरा, फतहा मुकद्दरा, पता होना चाहिए था ना आखिर में, फतहा मुकद्दरा, अल मुस्तशफया ऐसे बोल के तो कुछ नहीं है, मजरूर में अल मुस्तशफयी नहीं, अल मुस्तशफा, अल मुस्तशफा, अल मुस्तशफा, अल मुस्तशफा। पहले हम लोग क्या पढ़ाई किए थे, आज से एक दो साल पहले, कि इसको मबनी समझ रहे थे, ठीक है? मबनी की तरह ही है,
उसका फलसफा वाला बात है, स्पिरिचुअलिटी सूफी वाला बात मुझे बताया क्लास में आपको। क्या कहा जाता है कि आसानी के लिए दम्मा इसका नहीं पढ़ा, ठीक है। और मुस्तश्वरी और क्या क्या बताया था, नाम मूसा, नाम भी ऐसा ही है ना, आखिर में क्या दम्मा अलिफ है, मूसा बोलिए, ईसा बोलिए, है ना, ये सब क्या अलिफ आखिर में, उसका तीन हालत जाहिर नहीं होता है, ठीक है। रमेश जी जो इसम के आखिर में क्या इस तरह का अलिफ हो, अलिफ हो जो इसम के आखिर में, उसमें उसका क्या होगा, हालत जाहिर नहीं होगा, ठीक है। मैंने तीनों में क्या है इराब क्या है इसका, तकदीरी है, ठीक है। अनिस भाई बताओ भाई सवाल, तीनों में क्या है तकदीरी इराब है, ठीक है। मनकूस अस्मा दूसरे किस्म का अस्मा, ठीक है। इसमें क्या है उस इसम को कहते हैं मनकूस अस्मा, मनकूस इसम उसको कहते हैं जिस इसम के आखिर में क्या होता है या होता है और उस या के पहले क्या होता है जेर कसरा होता है। मनकूस इसम किसको कहते हैं जिस इसम के आखिर में क्या होता है या होता है, या अलिफ नहीं और जिसके जिसके पहले क्या होता है कसरा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं मनकूस। इस ये भी क्या है तकदीरी एराब लेता है, इजाज में क्या होगा अलकादियु या अलकादी, मनकूस में अलकादी, आसानी के लिए अलकादियु नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको अलकादी, लेकिन क्या बोलेंगे अच्छा ये मरफू ही है, कोई बोले मरफू मरफू है ना मंसूर, उन लोग बोलेंगे मरफू है, मरफू का अलामत क्या है दम्मा है, कहाँ दम्मा है या पर, ठीक है। तो लेकिन दम्मा कैसा है मुकद्दर माने पोशीदा है, ठीक है, तो कहेंगे मरफू है ये अलामत क्या मरफू का दम्मातुल मुकद्दर, दम्मा मुकद्दर हिडन छुपा हुआ दम्मा, ठीक है। तकदीरी एराब ले रहा है, मनकूस अस्मा का मरफू हालत में क्या एराब लेता है तकदीरी, और मंसूब में क्या लेगा पता लेगा, मंसूब में पता क्या हो गया जाहिर हो गया, क्या कहेंगे अलकादी है मंसूब अलामतु नस्बी ही, उसके नसब की अलामत क्या है फतहा जाहिरा, फतहा जाहिर है, मंसूब में क्या है जाहिर हो जाता है, इसमें मनकूस कैटेगरी में मनकूस किस्म में, मजूर में ये क्या हो गया वैसे अलकादी, अलकादी ही नहीं होगा, तो क्या कहेंगे कसरा मुकद्दरा, इस तरह का इसम भी है, ठीक है। अरबी में अलकादी अलकादिया अलकादी, इसम अलवादी अलवादिया अलवादी, ठीक अलमादी गुजरा हुआ अलमादिया अलमादी, ठीक बहुत सारे इसम है अलहादी अलहादिया इराद देने वाला, ठीक है अलहादी, ठीक है। मंसूब में क्या है जाहिर, ठीक है। अब देखिए अलिफ लाम यहाँ पर लगा हुआ, जैसे बताए थे इसे माया कैसे था, इसका ओरिजिन क्या था, मजदर क्या इसका है माजी, माजी हाँ, कदा फैसला करना, कदा उसका माजी क्या है कदा यकदी, इसम फाइल कैसे बनता है वजन क्या है फाइलुन, जैसा कातब मन लिखना उसका वजन क्या होगा फाइलुन में कातिबुन, खाया जब निकलना इसम फाइल क्या होगा इसका खारिजुन, ठीक है। तो कादियुन इससे निकला है कौन से वजन में फाइलुन के वजन में कादियुन, तो असल लफ्ज क्या था ये देखे हम कादी, ये लफ्ज था आसानी के लिए क्या पढ़ा गया इसको कादिन। अभी क्या क्या बताया था पिछले क्लास में आपको, एक चीज ये लफ्ज जो है चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, ये कादियुन लफ्ज था असल में, ठीक है कादियुन था, इसका क्या ड्रॉप हुआ है अख्तर भाई बताइएगा, कादियुन में क्या हुआ था या को क्या कर दिया गया था हटा दिया गया ड्रॉप, और या के साथ उसका जो तनवीन था वो भी क्या हो गया हटा दिया गया, अब क्या बचा वादी, लेकिन आप बोला कि जब इतना हटा दिए कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते इसको तो क्या बन गया वो आदिन, तो लफ्ज क्या है याज भाई आदिन, ठीक है। अनीस भाई सुनो भाई आदिन था ये नकीरा है, अब अलिफ लाम लगाने से क्या हो जाता है अलकादी, माने नकीरा जब रहता है तो उसका या क्या है या क्या उसका महजूफ है छुपा हुआ है, तब हम उसको बोलना था कादिन, तो ये मरफू में क्या लिखा लिखा जाएगा
मरफू में क्या होगा ये कादिन होगा नकिरा अगर रहेगा तो इसको मिटा रहे हैं देखिए मरफू में क्या होगा ये कादिन ठीक है मजरूर में क्या होगा ये कादिन ठीक है अब बताइए कौन साबित जीजा अब बताइएगा मंसूब में क्या होगा ये लफ्ज पर देखिए जब अलिफ लाम था अल कादी मंसूब में अल कादिया मजरूर में अल कादी कादिन मरफू में भी कादिन मजरूर में भी मंसूब में क्या होगा मजरूर मंसूब में क्या होगा कादियन कादियन अब देख रहे हैं या आ गया मंसूब जब होगा ना तो इसका या जो है आ जाएगा जब अलिफ इस तरह का मनकूस इसम में अलिफ लाम आएगा तो या क्या हो जाएगा जाहिर हो जाएगा और जब मनकूस इसे मंसूब होगा तभी भी क्या होगा या जाहिर हो जाएगा ठीक अब मंसूब जब होता मालूम है आपको एक अलिफ भी लगा देते हैं मंसूब वाले करने के लिए किताबुन किताबन अलिफ लगाते हैं एक्स्ट्रा तो ये पढ़ा जाएगा क्या कादियन तो नकीरा में देखिए कादियन काजिन सेम है ना देखिए इसमें भी क्या था मंसूब में जाहिर हो गया मंसूब में क्या फतहा है इसका अलामत नसब का मजरूर में साथ देखिए तो यहाँ पर जाज रफ सवाल है कादिन मरफू है या क्या है मरफू है मरफू का अलामत क्या है मरफू का अलामत हम लोग पढ़ पता है दम्मा है दम्मा कहाँ है किसमें है दम्मा छुपा हुआ यहाँ पे यार वो यहाँ कहाँ है वो भी छुपा हुआ है बोले सूफी वाला बात है बोला अरब वाले लोग कुछ क्या पर इन बोला कि उसने सोचिया दिख रही ना फिर भी सोचिए बाबा बैठे हैं नमाज पर समझ में नहीं आ रहा आपको बाबा तो बैठे हैं या नंगा बैठे हैं नमाज पर आपको नहीं पता आप देख नहीं सकते कादिन असल में क्या है या है जिस पर क्या है एक छुपा हुआ दम्मा है दम्मा मुकद्दर है ठीक है मजरूर में भी क्या है यहाँ पर एक या है जिसमें क्या छुपा हुआ कसरा है लेकिन इसमें क्या होता है कादियन इसमें या जो है जाहिर कादियन सेम अलिफ लाम में से क्या ये भी हो जाता है तो सवाल यहाँ पर असल में क्या है जितना लफ्ज के आखिर में ईयून आवाज आएगा ध्यान दीजिए ईयून जो इसम के आखिर में क्या आवाज आएगा ईयून ईयून जैसे आवाज आएगा इन हो जाएगा इसमें आवाज है ना कादियन का असल कादियन चेंज होगी किसमें कादियन ये और लफ्ज बताते हैं बुनियादी हर्फ है ठीक है अदा हिदायत देना रास्ता दिखाना हिदायत देने वाला का वजन क्या होगा फाइलुन क्या होगा हादियुन ये यार कुल हादियुन ईयुन आवाज आए ना तो लफ्ज कैसे होगा अरबी में हादिन 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 हो जाएगा चेंज भी क्या होगी हादिन शर्त क्या है या होगा डबल या नहीं इसमें क्या होगा इसके पहले एक कसरा होगा ठीक है अब एक और मिसाल दे रहे ये फेल देगी दावा माने क्या होता है दावत देना बुलाना पुकारना दावा उसने पुकारा उसने दावत दिया दावा में ये फेल है ये अलिफ है अलिफ असल में क्या है ये पढ़ाया थी क्लास में आपको ये अलिफ वाव है या है वाव है अगर अलिफ दिखता है आपको पता है ये जो फेल है इसके आखिर में क्या आखिर में कमजोरी है ना जब आखिर में कमजोरी होता तो क्या कह जाता है वो फेल नाकिस है नाकिस के लफ्ज़ी में नाकासा मनकूस इसमें मनकूस निकला वाला उसे ठीक है तो वाह हो या हो इसका इसम फाइल बनाइए करने वाला वजन क्या होगा फाइलुन निकालना मुश्किल है अरब वाले क्या चेंज करके कर दिया कि नहीं भाई उसको चेंज करके क्या कर दो
दाइयून कर दो। अब रब बल बुला रहे तो यून आवाज नहीं कर ली, तब क्या करो इसको दाई, क्या करते हैं इसको दाइन, दाइन हो गया, हाँ चेंज होते हो, दाइयून था वहां चेंज किया हुआ दाइयून। समझ में आ रहा ना क्या बोले, उसके बाद चेंज होंगे क्या दाइन, जैसे अलिफ लाम आएगा इस जिस्म में क्या होगा अनीस भाई, जैसे अलिफ लाम आता है मनकूस जिस्म में वैसे क्या होता है या निकल जाएगा, तो क्या हो गया अब दाई, अब वही दाई नाम से उर्दू दुनिया मशहूर हो गया, दाई दावत देने वाला दाई, ठीक अब दाई हो जाएगा, जैसे अलिफ लाम आएगा क्या अनीस भाई या निकल जाएगा अब दाई, ठीक है हमारे किसी भी फेल के आखिर में वाव हो या हो उसका इसम फाइल अगर आप बनाइएगा करने वाला तो क्या बनेगा, वो मनकूस बनेगा, मनकूस इसम बनेगा, ठीक है इस तरह का इसम भी होता है, ठीक है अद्दाई। तन्वीन को खोल के भी इसको चलाया जा सकता है, तन्वीन को खोल के जैसे कि काजी को चला दी, उसका तन्वीन को खोल के फिर उसमें कुछ खोलेंगे देखिए आप मनकूस में देखिए, मनकूस में क्या होता है अलिफ लाम जब आता है तो यह क्या हो जाता है, अलिफ लाम नहीं रहेगा यह क्या हो गया महजूफ हो गया, ठीक है और यह कब होता है जब मंसूब हो जाएगा तो ही भी क्या होगा या ठीक है, और कब होगा जब मुदाफ बने, जब इस तरह का इसे मुदाफ बने, कहना है कि मक्का का काजी, चलिए कहना है हिंदुस्तान का काजी, क्या कहना है हिंदुस्तान का काजी है, कहना भी क्या लफ्ज लाएंगे हम लोग तो काजी का नस्बत होगा ना, ठीक है तो हम लोग को पहले मालूम अलिफ लाम तो आ नहीं सकते कि मुदाफ में जिसका नस्बत उस अलिफ लाम नहीं आता है, कभी हम लोग अल किताबुल्ला नहीं कहते ना, सिर्फ क्या कहते हैं किताबुल्ला, क्योंकि अलिफ लाम है उसमें ऑलरेडी तो निस्बत उसका अल्लाह की तरफ हो रहा है तो किताब में समझ में आ रहा अलिफ लाम है, ठीक है लेकिन अलिफ लाम लिखा नहीं आता, अर रसूलुल्लाह नहीं होता, क्या होता सिर्फ रसूलुल्लाह, तो जिसका निस्बत होता उसमें अलिफ लाम नहीं आ सकता, अलिफ लाम नहीं आएगा तो आप क्या बोलिएगा, अच्छा अलिफ लाम नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, तब क्या होगा अगर निस्बत करना है इसका तो यह क्या हो जाएगा इसका दाई हो जाएगा, निस्बत हो रहा है उसका, उसके बाद अल हिंद कहना है क्या होगा कादिल हिंद, कादिल हिंद, ठीक है अब मिलाने के लिए आप पता पड़ सकते मिलाने के लिए, जिस मिलाने के लिए कादियल हिंदी मिलाने के लिए उसमें मंसूब नहीं, अगर मरफू है तो मनसूब हो जाएगा ना, तब तो उसमें मनसूब आएगी, पता आएगी, क्योंकि मनसूब में क्या पता आता है ना, मनसूब में पता ठीक है जाहिर हो जाएगा, पता जाहिर हो जाएगा प्लस या भी आ जाएगा, ठीक है क्या बताना क्या चाह रहे हैं, अगर मनकूस अस्मा का निस्बत होता है मन मुदाव बन के आता है तो उसका या जाहिर हो जाता है, और कब या जाहिर होता है जब मनकूस अस्मा में अलिफ लाम आ जाता है तो या क्या हो जाता है जाहिर हो जाता है, अलिफ लाम नहीं है या महजूफ, अलिफ लाम आ गया या जाहिर, और कब होता है जब मनकूस अस्मा मंसूब हो जाता है तभी भी क्या या हो जाता है या जाहिर, तीन सूरतों में या क्या होता है जाहिर होता है, उर्दू करीब पढ़िएगा इसीलिए आराम से टाइम देके पढ़िए, कलीद को पहला चैप्टर का आराम से एकदम आसानी
से सब कुछ बताया हुआ है। कहीं एक क्लास में अगर ध्यान देने आपने प्रॉब्लम हुआ, आपको कहीं सो गए थे क्लास में गलती से, ठीक है, या कभी कुछ हुआ होगा, ध्यान नहीं भटक, ध्यान भटकता रहता है, ध्यान के भटक गया होगा, तो फिर क्या कीजिएगा, अगर कलीद पढ़िएगा इंशाल्लाह तो सब मसला ना हो जाएगा। इसीलिए कलीद ध्यान से पढ़िए, कुछ नहीं है, पहला चैप्टर में जितना चीज़ आया 90% लोग कर चुके थे पहले से, बस नया नया इस्तेमाल आया, नया नया टर्म आया, हाँ इसको ये बोलते, इसको ये बोलते, ठीक है, 90% बल्कि 95% किया हुआ है जितना भी आया है पहला चैप्टर में, बस रिविजन है, समझ लीजिए, है ना, ठीक है, आ दिन इस तरह का होगा। टाइम कितना वाली है? इस लफ्ज का ये लफ्ज कैसे है मुस्तशफा वो बता दें, एक्स्ट्रा है क्या बता देते हैं, फिर फेल है क्या, अब बता ना, इसका एक बाब होता है, आखिरी बाब जो हम लोग किए थे, आखिरी बाब मजीद फी का आखिरी बाब किए थे ना हम लोग, इस्ता शुरू होता है क्या, उसमें होता है फेल में इस्ता, जैसे हम लोग किए ना फाला युफाइलु, बीच में शद्दा क्या हो गया, बीच में आयन कलिमा डबल हो गया, मुशद्दद हो गया, ठीक, अफअला युफइलु हमजा आ गया, चार नंबर बाब किए थे, दस नंबर बाब में क्या होता है शुरुआत में इस्ता होता है, इससे क्या माने, एक माने निकलता है कि जहना, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तिगफारु, है ना, इस्तनसरा मतलब चाहना, यस्तनसिरु इस्तिनसारु, ठीक है, खैर तो इस्ता ये बाब में, ये बाब में मजीद हर्फ क्या है इसमें, अलिफ सीन ता, हमजा सीन और ता, हमजा सीन और ता मजीद है, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं बुनियादी हर्फ, ठीक है, फिर वाजिब ना पता है बुनियादी हर्फ क्या है इसमें, शीन फा और या, शीन फा या माने वो, अब इसमें ला तो या पड़ा जाएगा, लीजिए पड़ा जाएगा, नहीं लिए, अब बुनियादी हर्फ ला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, शीन फा पढ़ने वाली बार है, ठीक है, शीन फा और क्या है, यह है इस्तशफा, ये क्या है, नाकिस है ना, ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल क्या था, अतर भाई इस्तशफा, इस्तशफा या बाप क्या है, इस्तफअला यस्तफइलु इस्तशफा यस्तशफियु, आसानी के लिए क्या हो जाएगा, इस्तशफा यस्तशफी यस्तशफी, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, इस्तशफा यस्तशफी, इतना समझ सकते समझिए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं पूरा पूरी समझना, यस्तश इस्तशफा यस्तशफी, माने क्या होगा, शिफा माने शिफा, पता आपको, ये बाब में आने के बाद माने क्या पैदा होगा, शिफा तलब करना, शिफा चाहना, इस्तशफा उसने शिफा चाहा, उसने शिफा चाहा, यस्तशफी वो शिफा चाहता है, चाह रहा है, चाहेगा, हमजा मन हमजा चले जाता, आपको पता है हमजा यहाँ पर आकर चले जाता है मुदारे में, जो 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 बाप शुरू होता है हमजा से, उसका हमजा चले जाएगा मुदारे में, महजूब हो जाएगा, हट जाएगा, इस्तशफा यस्तशफी, महजूब नहीं होगा, हट ही जाएगा, इस्तशफा यस्तशफी, ठीक है, अब अगर सिर्फ हमको निकालना है यहाँ पर से, शिफा चाहने वाला, शिफा चाहने वाला, तो क्या चीज़ हम लोग चेंज करते हैं, खाली या को क्या करेंगे हम लोग, नीम से बदल देंगे, इसम फाइल निकल जाएगा, मुजर्रद फेल में जिसमें सिर्फ तीन हर्फ होता है उसका इसम फाइल लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ इस वजन में ला देते फाइलुन, और मजीद फी में अगर इसम फाइल बनाना है, काम करने वाला बनाना है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव पार्टिसिपल बनाना है, उसमें क्या करेंगे, फेल मुजारे बोलेंगे, बदल देंगे किससे, नीम से, क्या करेंगे बदल देंगे, और आखिर में तनवीन दे देंगे, उसको नीम से बदलेंगे, और यहाँ हटा तो क्या करेंगे, लंबा कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, तनवीन दे देंगे, क्या बनेगा ये, मुस्तश मुस्तशफियुन, मुस्तशफियुन माने शिफा जाने वाला, अब देखिए आवाज कैसा निकल रहा है, मुस्तशफियुन कहाँ चले जाएगा, ये लफ्ज चेंज हो जाएगा इसमें, मुस्तशफिन क्या हो जाएगा, ये लफ्ज मुस्तशफिन, तो कहाँ आ गया, इधर आ गया, मनकूस में आ गया, मुस्तशफिन, अलिफ लाम में क्या हो जाएगा, अल मुस्तशफी, ऐसा था कि अल कादी, ऐसे ये क्या हो जाएगा, अल मुस्तश फी, समझ में आ रहा है ना, यू नवाज चेंज करने किससे, अल मुस्तश फिन,
ठीक है, क्या हो जाएगा मुस्तशफिन, ठीक है, ये एडवांस बता दे रहे, ठीक है, अभी जरूरत नहीं उसको समझना, समझिए नहीं समझना तो कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। अब जिसने सिफा चाहा वो क्या हो गया, मुस्तशफिन, अलिफ लाम का क्या अल मुस्तशफी। अब इसका इसम मफूल कैसे बनता है, आइन कलिमा में क्या करते हैं हम लोग, इसम फाइल में तो कसरा होता है, ब्लू देख रहे हैं कसरा है, मुस्तशफियुन, इसम मफूल जिस पर काम हुआ फयुन, मुस्तशफयुन फयुन, ठीक है, मुस्तशफयुन। ठीक है, इसका मिसाल क्या था, आप हम लोग किए थे जैसे हम लोग किए थे ना, अल्लामा, अल्लामा का क्या है मुदारे, युअल्लिम, अल्लामा युअल्लिम, इससे इसम फाइल बनाना क्या करेंगे, लीम कर देंगे इसको, उसमें क्या करेंगे तनवीन कर देंगे, क्या बन जाएगा मुअल्लिम, ठीक है, मुअल्लिम मुअल्लिमुन। अगर मफूल बना जिस पर काम हुआ तो उसका कसरा क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन करने वाला, मुअल्लिमुन जिस पर काम हुआ तो मुअल्लिम माने सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, इल्म देने वाला, मुअल्लिम जिसको इल्म दिया गया, इल्म हासिल करने वाला मुअल्लिम, ठीक है, इस माने सेम तरीके से मुस्तशफियुन हो गया क्या, इफा जाने वाला और मुस्तश फयुन, इसका मफूल नहीं है मुस्तश फयुन, मुस्तश फयुन सिफा जाने वाला मुस्तश फयुन। अब मुस्तश फयुन जो लफ्ज है सिफा जाना का कोई मफूल नहीं बनता, ठीक है, लेकिन अरबी ग्रामर में जो इसे मफूल का सीगा है ना, इसे मफूल यहां बना रहे मुस्तश ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं हो गया ना, ऐसे 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 करके वो लंबा है, ऐसे 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 चल ही रहा है, मुस्तश फीयून हो गया चाहने वाला, ठीक है, और मैंने इसे फाइल का सीगा, और इसको चाहा गया है इस बारे में होगा मुस्तश फयुन, ये भी एक सीगा बनता है लेकिन इसका मफूल होता नहीं है, लेकिन जितना हम लोग अपने मजीद फी का बाप किया है ना, मजीद फी का बाप, ठीक है, मजीद फी का बाप में जो इसे मफूल का सीगा है ना, ठीक है, वो जगह के बारे में भी इस्तेमाल हो रहा है, माने जो काम किया वो क्या सीगा ले रहा है, इयून वाला मुस्तशफियुन, ऐन कलिमा कसरा, और जहां पर वो काम हुआ, जहां पर वो काम होता है वो क्या सीगा लेगा, खाली अलिफ को फता कर दीजिएगा, तो माने क्या हो जाएगा मुस्तशफियुन का, जहां सिफा चाहा जाता है, कौन जगह सिफा चाहा जाता है, हॉस्पिटल, तो लफ्ज क्या हो गया मुस्तशफियुन, ठीक है, मुस्तशफियुन, ठीक है। अब मुस्तश जैसे फियुन आवाज था, इयुन आवाज चेंज हो गई किसमें, इन में, वैसे अयुन आवाज, अयुन चेंज हो जाता है किसमें, अयुन चेंज हो जाता है किसमें, ये कर देंगे और ये गायब हो जाएगा, क्या पड़ जाएगा मुस्तशफन, जैसे अलिफ लाम आएंगे एक गायब हो जाता, पता आपको क्या मतलब बन जाएगा, अल मुस्तशफा हुई है ना, अल मुस्तशफा, अल मुस्तशफा, ये ओरिजिन बताया लफ्ज कैसे निकला है, माने आप जो किए हैं ना इसे मफूल, मफूल हर फेल का तो मफूल नहीं होगा, लेकिन इसे मफूल का सीधा इस्तेमाल कहाँ होगा, बताने के लिए कि काम हुआ कहाँ हुआ, या वक्त बताने के लिए, या जगह बताने के लिए भी इसे मफूल का सीधा इस्तेमाल होता है, ठीक है, माने मुअल्लम जो लफ्ज है ना मुअल्लम, वो इस माने में इस्तेमाल हो सकता है कि जहाँ पर इल्म दिया गया, या तो जिस वक्त में इल्म दिया गया, इस माने मुअल्लम इस्तेमाल होता है, इस्मु ज़मान, हाँ इस्मु ज़मान, इस्मु मकान, ठीक है, ज़र्फ़ु ज़मान, ज़र्फ़ु मकान, ठीक है, इसमें इस्तेमाल होगा अगर बन गया, ठीक है, अब जितना समझे ठीक है, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा समझ में आया कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, कभी भी जो है समझिए अपने पर भारी प्रेशर मत महसूस करने दीजिएगा, चाहे आप नौजवान हैं इमरान भाई की तरह, चाहे आप सबसे ज्यादा बूढ़े हैं साबित की तरह,
ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर मत मत दीजिएगा, प्रेशर अपने आप लाने मत दीजिएगा। दीन आसान है, कुरान आसान है, अरबी जुबान आसान है। लगता है कभी भी थोड़ा टफ हो जा रहा, नहीं, आपको पढ़ने का जरूरत है, हम लोग को वक्त देने का जरूरत है, मेहनत करने का, मेहनत का जरूरत है, तो इंशाल्लाह सब आसान हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह ने आसान किया, बार बार इस आयत को अपने ध्यान में लाइएगा, लकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, अल्लाह ने आसान किया, हमने आसान किया है कुरान को जिक्र के लिए, नसीहत के लिए। ठीक है, ये समझ में आया ना इस टाइप का? ठीक है, 10 मिनट समझ में आया, 50 समझ में आया, 90 समझ में आया, 100 समझ में आया, बहुत अच्छा बात है। ये हमें ये याद रखिएगा, ये वाला पार्ट बताया ना, नाकिस कैसे बना, क्या ये ठीक है, थोड़ा समझ में उतना नहीं आया, कोई किताब खुली अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, टाइम हो गया, 7:30 हो गया। पानी जाने के लिए क्या अल्फाज अरबी में बताइएगा? पानी जाना, बारिश जाना, इस्तस्का, क्या हो जाएगा? इस्तस्का, यस्तस्की, मुस्तस्की, अल मुस्तस्की, जाने वाला, जहाँ चाह गया है अल मुस्तस्का। पेज नंबर मुझ करेंगे, सफा नंबर 14 तमाही 10 नंबर मस्क जो है, देखिए सफा नंबर 14 इसका किताब का कलीम नहीं, दस नंबर पेज, सफा नंबर 14 10 नंबर मस्क। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रिपीट करते हैं, यहाँ पर पहला, यहाँ पर क्या करना, आरिफ, आरिफ माने एराब बताइए इसका। ठीक है, आरिफ 10 नंबर के आरिफ माने एराब बताइए। ठीक है, किसका एराब बताइए? माँ, जो, किसका एराब बताइए? माँ, जो तहता हो उसके नीचे, माँ तहता हो मिला के क्या तर्जुमा करेंगे? माँ तहता हो जिसके नीचे, माँ माने जो, ठीक है, तहता हो उसके नीचे, माँ तहता हो जिसके नीचे, एराब बताइए इसका, उसका जिसके नीचे क्या है? खत्तुन, जिसके नीचे क्या है? खत माने लाइन है, डैश है। ठीक है, आरिफ मा तहतहु खत्तुन, इसके नीचे क्या खत है, लाइन है, उसको उसका एराब बताइए। ठीक है, एक नंबर क्या, युहिब्बुल्ला, युहिब्बु मोहब्बत करते हैं, अल्लाहु माने तर्जुमा क्या, अल्लाह मोहब्बत करते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं? अल मुत्तकीन ना, अल्लाह यहाँ पर क्या है, लफ्ज़ुल जलाला अल्फाइल, फाइल है, अल्लाह लफ्ज क्या है, फाइल है, और क्या है इसका हालत होता है, हालत नहीं होता है, माने मोरब है या मबनी है, मोरब है, अल्लाह 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 ही होता है, मोरब है। ठीक है, और यहाँ पर क्या मरफू है, फाइल हमेशा क्या होता है, मरफू होता है, तो अल्लाह मरफू है, तो अलामत क्या मरफू है यहाँ पर, दम्मा, दम्मा मरफू का असली अलामत है, है ना, अल्लाह क्या है, मरफू अला, मरफू है, अलामत रफ़ई अद्दम्मा, अल्मुत्तकीन, ये क्या काम कर रहा है जुमला में, मफ़ूलुन बिही, जिस पर काम अल्लाह मोहब्बत करता है, किससे, अल्मुत्तकीन, तो अल्मुत्तकीन मरफू है या मंसूब है, मंसूब है, क्योंकि मफ़ूल है, और मंसूब, मंसूब पर अलामत क्या है, अलामत नसब क्या है यहाँ पर, या, ठीक है, मुत्तकीना, ठीक है, ठीक है, ये लफ्ज है ना मुत्तकी, वो भी क्या है, मनबूस है, मुत्तकी कहते हैं ना, मुत्तकी आखिर में क्या उसका, या ना पढ़े हम अल मुत्तकी, असल में मुत्तकी उन था, हो गया क्या मुत्तकीन, अलिफ लाम है अल मुत्तकी। ठीक है, खैर, मुत्तकूना मरफू है, ठीक है, मुत्तकूना क्या है, मुत्तकी का क्या है, मरफू है, मुत्तकी का, मुत्तकी जमा वाहिद है,
उसका जमा क्या है? मुत्तकूना। मुत्तकूना मरफू है, अलामत क्या मरफू का इसमें? वाव। ये क्या असली अलामत है या फरई अलामत है? वाव फरई अलामत। फरई सेकेंडरी अलामत, ओरिजिनल अलामत मरफू का दम्मा है, ये वाव भी सेकेंडरी सानवी अलामत है। ठीक है, तो और उसका मंसूब क्या होगा? मुत्तकीना। मुत्तकीना। और ये मंसूब का अलामत क्या मुत्तकीना में? या है। दो नंबर देखिए क्या, खलकल्लाहु, अल्लाह ने बनाया, अस्समावाति, ती, लेकिन दा होना चाहिए था, दा नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, समावात एक सीगा में है, कौन सा सीगा में है? जमा मुअन्नस सालिम का सीगा में है। जमा मुअन्नस सालिम किसको कहते हैं? इसके आखिर में आतुन लग जाता है, आत हो जाता है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मंसूब में भी कसरा ले रहा है। तो अस्समावातु, अस्समावाति, अस्समावाति, तो ये फरई अलामत हो गया मंसूब का यहाँ पर। तो खलक अल्लाह समावाति वल अर्दी, अर्दा, ये अर्दा कहीं नहीं हुआ, वल अर्दी कहीं नहीं हुआ, समावाति को फॉलो करता वो है ना, नहीं, अर्दा जो लफ्ज है वो क्या है? असली अलामत देता है, मोरब है, असली अलामत के साथ में मोरब, अर्दु, अर्दा, अर्दी, तो अर्दा होगा। हालांकि अर्दा जो मातूफ जुड़ा हुआ किससे? असमावाद से जुड़ा हुआ, समावाद क्या मनसूब है लेकिन कसरा के साथ मनसूब है, क्यों? क्योंकि वह जमा मुअन्नस सालिम का सीगा लिया हुआ है। ठीक है, दोनों ही क्या मनसूब है, एक फरी अलामत लिया हुआ है और अर्दा क्या लिया हुआ है? असली अलामत, जो कि क्या है? फतहा ज़ाहिरा। तीन नंबर इफ्ताह माने खोलो, क्या खोलो? फाका। फाका लफ्ज है फा फू फा फी, ये क्या है? अस्माउल खमसा में से माने मुंह, फमुन और फा एक ही माने में आ रहा है। ठीक है, फमुन और फू बोले तो फाका इफ्ताह खोलो, क्या खोलो? अपने मुंह को। ये फाका में मंसूब होगा, मंसूब वाला मत क्या है? अलिफ, क्यों? क्योंकि अस्माउल खमसा में से है, जैसे अबा अखा, कितना पड़ेगा? अलिफ हो जाएगा। ठीक है, हम पूछ के बताएंगे घर में, पूछ के बताएंगे। चार नंबर के ऐना सय्यारतु अबीका, ऐना सय्यारतु अबीका, तुम्हारे अब्बू की गाड़ी कहाँ है? सय्यारतु मुदाफ है, अभी मुदाफ इलैही है, तुम्हारे मजरूर होना चाहिए उसको, जर का अलामत यहाँ अभी में क्या है? कसरा नहीं बल्कि क्या या है, क्यों? क्योंकि अस्माउल खमसा में से है। ठीक है, के बाद पांच नंबर हफीज, तो मैंने याद किया, क्या याद किया? सूरतैनी, सूरतुन एक सूरा, सूरा का तस्निया क्या होगा? सूरतानी, लेकिन ये मरफू है, अलामत रफा क्या है? अलिफ, इसका मंसूब क्या होगा? सूरतैनी, मजरूर भी क्या होगा? सूरतैनी। हफीज तो मैंने याद किया, क्या याद किया? मफूलन भी बन गया, सूरतानी नहीं होगा बल्कि क्या होगा? सूरतैनी होगा, अलामत रफा, अलामत नसब क्या होगा इसमें? या, क्यों? लिअन्नहु मुसन्ना, क्योंकि ये क्या है? मुसन्ना है। छह नंबर आरिफू, मैं जानता हूँ, आरिफू, आरफा या आरिफू, अना के लिए आरिफू, मैं जानता हूँ, मैंने अच्छे तरीके से जानता हूँ, किसको जानता हूँ? कादी मक्कता, अब कादी का क्या करेंगे? कादिया मक्कता, कादी का निस्बत हुआ। ठीक है, कादी मनकूस इसे मैं, कादी क्या मनकूस इस्म है, और जब मनकूस इस्म का अस्मा जब निस्बत होता है तो या क्या हो जाता है? जाहिर होता है, और उस पर क्या अलामत लग जाएगा? नसर, जाहिरा हो जाएगा, फतह जाहिरा इसका अलामत है। तो आरिफ कादिया मक्का था। ठीक है, कादिया यहाँ पर क्या है? मफूलन भी है। ठीक है, मनसूब है, अलामत नसर क्या है? फतह जाहिरा अलल या पर। ठीक है, और मक्कता क्या है? मक्कता निस्बत हुआ मक्का के तरफ, मक्का क्या है? मजरूर है, लेकिन मक्का जो है क्या है? पता नहीं है, अरे मुअन्नस नाम का सीगा लिया हुआ है, तो क्या है? गैर मुनसरिफ है, या कहेंगे ममनू मिन सर्फ है, तो मक्कतु मंसूब क्या होगा? मक्कता, मक्कता, जैसे इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिम, तो मक्कता में फरई अलामत है, मक्का का मजरूर है लेकिन क्या है? फतहा लिया हुआ है, तो फरई अलामत। सात नंबर क्या है? खराजा निकले, कौन निकले? अल जरहा, जरहा माने क्या होगा? जरहा जमा है, जरीहुन, जरीह, जरीहुन का जमा क्या है? जरहा, जख्मी,
जरी हुन माने जख्मी, ठीक है। और जरी हुन का जमा क्या है? जरहा, ठीक है। जैसे कतीलुन, इसका कत्ल किया गया हो, कतला जमा उसका, ठीक है। खरजल जरहा मरीदुन, मरीज, मरीज का जमा क्या है अरबी में? मरदा, मरीदुन मरदा, जैसे जरी हुन जरहा, ठीक है। जरहा खरजल जरहा, जख्मी निकले। तो जरहा के आखिर में क्या है? अलिफ है, तो क्या है जरहा? क्या हो गया? मनपूस है, तकदीरी एराब लेगा, मकसूर है, तकदीरी एराब लेगा। तो खरजा का फाइल कौन है यहाँ पर? अल जरहा, तो होना क्या है? अल जरहयू, लेकिन जरहयू तो नहीं, ठीक है। तो क्या, क्योंकि ये क्या है? तकदीरी एराब ले रहा है। ये भी क्या कहेंगे? जरहा मरफूई है, लेकिन इसका अलामत रफा कहाँ है? दम्मा मुकद्दरा, ठीक है, अललिया, दम्मा मुकद्दरा, तो अलिफ मकसूरा पर इसका दम्मा मुकद्दरा है। अल जरहयू नहीं है, जरहा, ठीक है, दम्मा, दम्मा छुपा हुआ है। कहाँ से निकले? मिनल मुस्तशफा। अब मुस्तशफा ही तो नहीं हो गया ना, क्योंकि मुस्तशफा भी क्या है? मकसूर है, तकदीरी एराब लेगा। और पूरा का मजरूर, मजरूर में भी क्या तकदीरी एराब है इसका। मिनल मुमिन आने से भी क्या हो गया? मुस्तशफा, मुस्तशफा ही नहीं हुई है, मुस्तशफा ही रहा, मिनल मुस्तशफा, हॉस्पिटल से निकले। आठ नंबर, अखाजा लिया, किसने लिया? सदीकी, मेरे दोस्त ने, मेरे दोस्त ने लिया, सदीकी। अब अखाजा क्या फेल है? अखाजा का फाइल कहाँ है? सदीकी, सदीकी दो लफ्ज है ना, सदीक दोस्त या मेरा, मुदा मुदा मरी, असल में कह रहा सदीकू था, ठीक है, सदीकू था, लेकिन या की वजह से क्या हो गया? सदीकी, जैसे किताब दी, असल में क्या था? किताबू था और या था, लेकिन ये या क्या करता है? कसरा दे देता है, मैंने कसरा में पढ़ना पड़ता है। किताब दी मनसूब में भी क्या था? ये किताब भाई नहीं था, किताब दी पढ़ा जाता है। तो या की वजह से क्या हो रहा है? इसका तकदीरी एराब हो जा रहा है, ठीक है, या की वजह से, या मुतकल्लिम की वजह से, ठीक है, मुदाफ, जब यहाँ मुतकल्लिम मुदाफली बन गया है। तो यहाँ पर सदीकी में सदीक का दम्मा नहीं, तो लिया मेरे दोस्त ने क्या लिया? किताबी, मेरे किताब को लिया, लिया मेरे सब मुदाफ है, इसका मुदाफली क्या है? या मुतकल्लिम, मेरे दोस्त ने लिया, क्या लिया? किताबी, किताबी में किताब भाई नहीं, किताब भया नहीं, किताब बा नहीं, किताबी, तो किताबी जो है ये भी क्या है? मनसूब है, लेकिन क्या है? तकदीरी एराब लिया मैंने। इसका एराब कहाँ पर है? मुकद्दरा है। कहाँ पर मुकद्दरा है? या के पहले मुकद्दरा है, ठीक। इसको क्या कहें अरबी में? माँ कबला या मुतकल्लिम, या मुतकल्लिम के पहले जो है वहां पर दम्मा मुकद्दरा, फतहा क्या है? मुकद्दरा। और किससे लिया, कहाँ से लिया? मिन हकीबती, बैग से, मेरे बैग से लिया, ठीक है। अखज़ा सदीकी, मेरे दोस्त ने लिया मेरी किताब को, कहाँ से लिया? मिन हकीबती, तो मिन हकीबती में मिन की वजह से क्या हो गया? अब मिन नहीं रहता तो क्या होता? हकीबती रहता, मिन आने से भी क्या हुआ? हकीबती, इसलिए कहा जाता है मिन हो नहीं हो, कि हकीबती में ताज ये भी क्या तकदीरी एराब ले रहा है। कुछ लोग कहते नहीं नहीं हकीबती में कसरा तो है ना, वही 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 एराब, वही उसका एराब अलामत है मजनू का। तो यहाँ मैंने इस जुमला में क्या बताया गया? सब का सब क्या है? फाइल, ठीक है, और मफ़ूल बिही, ठीक है, और इससे मजरूर जो मिन के बाद आया, मुतअल्लिक बिलफ़ेल, वो सब का सब क्या है? मुदाफ है, जिसका मुदाफ ले क्या है? या मुतकल्लिम। मुदाफ किसके तरफ मुदाफ नस्बत उसका? या मुतकल्लिम की तरफ। या मुतकल्लिम माने मेरे वाला, मेरा अना, अना। नौ नंबर देखिए क्या है? इश्तरे तू, मैंने खरीदा, क्या खरीदा? हाजा, ये मैंने ये खरीदा, कितने में खरीदा? बी खमसता अशरा रियालन, 15 रियाल में मैंने खरीदा। तो ये 11 से देखिए 19 का जो सीधा नंबर बनता है वो भी क्या होता है? मबनी, फतह पर क्या? मबनी सिवाय 12 के, ठीक है। तो बी आ गया, उसके बाद भी खमसती नहीं हुआ, खमसता ही रहा, मैंने खरीदा खमसता अशरा, 15 रियाल में इसे खरीदा मैंने। 10 नंबर, अना मुहामिन, मैं क्या हूँ? मैं हूँ मुहामिन, मुहामिन माने वकील, अना मुहामिन, मैं वकील हूँ,
मुहामिन आना मुब्तदा हो गया, मुहामिन क्या हो गया? खबर, लेकिन खबर तो मरफू होता है, आना मुहामिन खबर मरफू होता है, तो मरफू का अलामत कहाँ है यहाँ पर? या है छुपा हुआ मुहामी, मुहामियुन है, मुहामियुन उस पर दम्मा क्या है? मैंने छुपे हुए यहाँ पर क्या छुपा हुआ दम्मा? हाँ, तो मुहामियुन था ना, मुहामियुन आसानी के लिए मुहामिन, ठीक है। अब पन्ना नंबर सवा देखिए ना, आसान है टॉपिक क्या इसका देखिए पन्ना नंबर में, अल मरफुआत मिनल अस्माई, कौन कौन से अस्मा मरफू होते हैं, आप लिख सकते चाहे कौन कौन से, कौन से अस्मा अरबी में मरफू होते हैं, ठीक है ठीक है। माने क्या होता है जिसका, अब देखिए पता आपको फितरती अदबार से हर इसे अरबी में क्या होता है, मरफू रहता है। अब एक आमिल आता है, क्या आता है? आमिल आता है, वो आमिल क्या हो सकता है? हर हो सकता है या फेल हो सकता है, जो इसम को क्या कर सकता है? मंसूब कर सकता है या मजरूर कर सकता है, ठीक है। हर अस्मा अरबी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक फितरती अदबार से क्या होते हैं? मरफू। कोई आमिल आता है, एजेंट आता है, एजेंट क्या हो सकता है? या तो फेल हो सकता है या तो क्या हो सकता है? हर हो सकता है। ऐसा फेल आगे क्या करता है? मफूल पैदा करता है, मफूल भी हो जाता है तो क्या हो जाता है? मंसूब हो जाता है, ठीक है। हर जो रहता है तो क्या हो जाता है? इसम मजरूर हो जाता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या, मरफू अस्मा कौन कौन से अरबी में है, यानी कि उस अस्मा जिस पर कोई आमिल काम नहीं करता, ठीक है, ये भी ऐसे कहा जा सकता है, ठीक है। पहला टॉप क्या है, एक नंबर दो नंबर देखिए क्या है, एक वा लिख, एक वा दो, एक और दो नंबर क्या है? अल मुब्तदा हु वल खबर हु, मन मुब्तदा और खबर अरबी में क्या होता है? अब आप क्या करना है, हाथ में पेंसिल लेना है या पेन लेना है? जिसका पास पेंसिल है पेंसिल से की, जिसके पास पेंसिल नहीं है पेन से ही करिए, किताब को खराब करिए, ठीक है। तो पेंसिल मांग के लीजिए किसी से, पेंसिल हाथ में ले लीजिए, पेंसिल नहीं तो पेन से ही करिए, करना जरूरी है। ठीक है, बहुत आदमी होता है पेन का दाग लगाना थोड़ा सा अजीब लगता है, पेन पेंसिल सेट ला के रख देंगे, जिसको इस्तेमाल करना होगा कर लीजिएगा। रिश्तेदारी का फायदा अधिक रहे ना। पहला लफ्ज क्या है? अल मुब्तदा वल खबर, मतलब मुब्तदा और खबर अरबी में क्या होता है? मरफू, मरफू होता है। वो टॉपिक है ना, मरफू कौन कौन सा होता है? अल मुब्तदा, मुब्तदा और खबर अरबी में क्या होता है इजाज भाई? मरफू। अब एक जुमला आ रहा है, क्या जुमला है? अल्लाहु अकबर, ठीक है, अल्लाहु अकबर पूरा पढ़ेंगे, तर्जुमा क्या होगा? अल्लाहु अकबर होगा सबसे बड़ा है, लेकिन अरबी लुगत क्या कह रहा है? अल्लाह किसी से बड़ा है ना, अल्लाह अकबर उसी का क्या कह रहा है? अल्लाह अकबर इसमु तब्दील है ना, मैंने किसी से बड़ा होना, किससे अल्लाह बड़ा है? मीन नहीं है, अल्लाह किससे बड़ा है? मीन नहीं आ रहा उसमें, इसका मतलब क्या होता है? जो भी चीज आ सकता सबसे बड़ा, मैंने सबसे बड़ा अल्लाह सबसे बड़ा है, इससे बड़ा नहीं आ रहा, जो चीज था जो चीज है जो चीज बाद में आएगा सबसे बड़ा अल्लाह, ठीक है। तो मीन वहां नहीं, इंग्लिश में तर्जुमा इसका क्या होगा? अल्लाह इज ग्रेटर नॉट ग्रेटेस्ट, लेकिन ग्रेटर देन और, तो माने निकल रहा है क्या? ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, ठीक है। लेकिन लुघवी तर्जुमा क्या? अल्लाह बड़ा है, किससे बड़ा है? मिन कुल्ली शय, आप लगा सकते हैं ब्रैकेट में, मिन कुल्ली शय तमाम चीजों से, जो भी चीज अल्लाह हो मुब्तदा है जुमला में, और अकबरू क्या है? खबर है, तो अल्लाह मुब्तदा है, दम्मा दिख रहा है आपको, अकबरू में क्या दम्मा आपको दिख रहा है, ठीक है। क्या कीजिएगा? अल्लाह हो में दम्मा को क्या कर दीजिए आप? अच्छा यहाँ पर तो अच्छा यहाँ जहाँ जहाँ यहाँ कर दीजिए, यहाँ दोनों को गोल कर, सर्कल कर सकते हैं, अल्लाह और अकबर दोनों को सर्कल कर, सर्कल कर दीजिए गोल, नहीं पूरा वो कर दीजिए, ठीक है। दम्मा को भी कर सकते, इसमें अलग अलग जाहिर है, नीचे एकदम बता रहे, नीचे से बता रहे, अलग
इसमें तो जाहिर ही है अल्लाह मुब्तदा अकबर खबर, नीचे से आपको सर्किल करना होगा। एक सर्किल या दो सर्किल? एक 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 दम्मा तो सही बात है, लेकिन नीचे पता है क्या तरतीब है। अगर नीचे आएगी दो नंबर इस्मु काना, काना का इस्म, ठीक है नीचे पहले आइए, काना का इस्म, काना माने क्या होता है, वो था, काना यकून होना, वो था वो होगा, इस्मु काना, जुबला क्या रहा, कानल बाबू, दरवाजा था, क्या था दरवाजा, मफ्तूहन, दरवाजा खुला था, द डोर वाज ओपन, दरवाजा खुला था। इस जुमला में इस्मु काना कहाँ है, अलबाबू, अलबाबू को सर्कल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ दम्मा सर्कल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर तो लिखा ही है, सब मरफू है ना, ऊपर सब तो लिखा हुआ सब मरफू है, ठीक है। सिर्फ क्या कीजिएगा, वो लफ्ज जो मरफू उसको सर्कल कीजिएगा, गोल करिए। तो अलबाबू को क्या कीजिए, यहाँ पर बाबू है बैठे, ठीक है, अलबाबू को गोल कर दीजिए, बाबू है, बाबू ने बहुत तो कानल बाबू, कानल बाबू दरवाजा था, तो का था का माना किससे पैदा हुआ, काना से, अलबाबू दरवाजा, काना का फेल फाइल, फाइल नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, इसम खबर कहते हैं, फाइल में फुल नहीं कहते, इसम खबर कहते हैं, काना नाकिस फेल है इस माने के एतबार से, काना वो था, क्या था वो, इस माने से काना नाकिस फेल, हरफी एतबार से काना क्या है, अजबा फेल कवाना फेल। एक ही हो रहा है, बैठे पता चल जाए कौन आया, इधर तो बैठ सकता है, सबका बन गया, तो क्या हम लोग देखे यहाँ पर, इस्मु काना क्या होता है, मरफू होता है, मैंने वो अपने फितरती एतबार में होता है, काना आकर के उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, काना बल्कि क्या करता है, खबर को चेंज करता है, नीचे चैप्टर में आ रहा है, मफ्तूहन यहाँ पर खबर है। तो अल बाबू को क्या कीजिए, सर्कल कर दीजिए गोल, क्यों सर्कल कर रहा है, बता रहे कि यही इस्मु काना है और ये क्या है, मरफू होता है, काना के बाद हमेशा जो इसम आता है वो हमेशा क्या होता है, मरफू होता है। तीन नंबर, खबर इन्ना, इस्मु इन्ना नहीं, इस्मु इन्ना तो क्या मंसूब होता है नीचे, आ इन्ना का खबर जो होता है, जैसे लफ्ज क्या है, इन्नल्लाह गफूरुन, तो मरफू यहां पे क्या दिख रहा है आपको, गफूर, तो गफूरुन को क्या कीजिए, सर्कल कर दीजिए, गोल कर दीजिए, आने समझ आएगा, खबर इन्ना क्या है, यही है, और खबर इन्ना क्या होता है, मरफू होता है, खबर इन्ना क्या है, मरफू होता है, तर्जुमा क्या होगा, बेशक अल्लाह क्या है, गफूर है, माफ करने वाला है, समझ गया ना, कहाँ मार कर सब कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, तो खबर इन्ना क्या है यहाँ पर, गफूर, अल्लाह अल्लाह यहाँ पर क्या है, इस्मु इन्ना, पहला वाला अलग अलग कर दी, पहला वाला तो जाहिर है, समझ कुछ कहने अलग अलग कर दी, अल्लाह करने का जरूरत पड़ेगी, अल्लाह अकबर, हाँ यहाँ बहुत आदमी उसको गलत पढ़ता भी, अल्लाह अल्लाह अकबर ये बहुत पढ़ा जाता है ना, आजान में हुआ है शायद, अल्लाह अकबर, अस्सलामु वालेकुम, अस्सलामु वालेकुम, अस्सलामु वालेकुम, अस्सलामु वालेकुम, ऐसा भी अस्सलामु वालेकुम नहीं पढ़ा, अस्सलामु वालेकुम, अस्सलामु वालेकुम, वालेकुम क्यों पढ़ रहा है, वालेकुम ऐसा मिस्टेक होता है, अल्लाह अकबर पढ़ाया था, वाव पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजान में देखिए अक्सर अजान ऐसी बहुत सारे अजान, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो कहाँ से आया, वो नहीं आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, हां होता है, तो अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हां वो नहीं आया, वो हुआ 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 अल्लाह हुआ हुआ वाह 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 कर दिया है, वाह मंसूब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मिला के पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
कर्गफूरम क्या हो गया यहाँ पर? खबर इन्ना, खबर इन्ना क्या होता? मरफू। पांच, चार नंबर क्या है यहाँ पर? पांच नंबर क्या है? अल्फाइल। फाइल अरबी में क्या होता है पता आपको? मरफू होता है। तो यहाँ पर देखिए जुमला क्या है? खलकना, खलकनल्लाहु, बनाया ना हमें किसने बनाया? अल्लाह। अल्लाह यहाँ पर क्या है? फाइल। अल्लाह कह दीजिए गोल कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, बताने के लिए कि यही फाइल है। पर फाइल हमेशा क्या होता है? मरफू होता है। खला का नल तो ना क्या है? मफूलन भी, ठीक है, ना मफूलन भी है। किसने बोले? मैंने बताया जा रहा एक और दो नंबर में दोनों मरफू होते हैं, बताया जा रहा है मुख्तता खबर दोनों मरफू है, वो बताया जा रहा है, ठीक है। छह नंबर क्या देखिए? नायब फाइल किया हम लोग अभी तक, क्या नायब फाइल? नायब फाइल अभी नहीं किया हम लोग। नायब फाइल क्या होता है? मजहूल फेल का फाइल। मैंने जैसे कि होता है क्या, खला का उसने बनाया किसको? इंसान को। तो खला का इंसाना या खला का अल्लाह अल इंसाना, लेकिन सिर्फ कहना है कि इंसान को बनाया गया, इंसान को बनाया गया, तो खला का फेल नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? खुली का, खुली का उसे बनाया गया, किसे बनाया गया? अल इंसान। तो खुली कल इंसान, इंसान को बनाया गया। तो खला का चेंज क्या हो गया? फेल खुली का हो गया। इसको कहते हैं एक्टिव पैसिव। खला का माने उसने बनाया, ये हो गया क्या? फेल मालूम। नहीं फेल मालूम या कुछ कुछ लोग फेल मारूफ भी कहते हैं, ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा में फेल मारूफ नाम से दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन अरब वाले कहते हैं कि गलत है, फेल मालूम होना चाहिए, इसका जिसका फाइल मालूम है, ठीक है। तो हम लोग जो करते हैं अब तक खाला का जहबा खरा जितना फेल अब तक हम लोग किए सब फेल मालूम है, यानी जिसका फाइल है मौजूद। अब दूसरा फेल आने वाला तीसरा चैप्टर से, दूसरा किस्म का फेल आएगा मजहूल फेल, जिसका फाइल गायब हो गया। और फाइल जब गायब हुआ तो बस काम छोड़ के चला गया, हाँ ये काम हुआ, काम कौन किया पता नहीं। तो कैसे चेंज करते हैं? वजन क्या होता है? फुइला का वजन दे देते हैं, खाला का से खुली का, ठीक है। कातला उसने कत्ल किया, उसका कत्ल हुआ क्या होगा? कुतिला, उसका कत्ल हुआ। इसको कहते हैं पैसिव वॉइस, वो था एक्टिव, ठीक है। फरहान रहम किया होना एक्टिव पैसिव, हाँ वही एक्टिव पैसिव। वजन क्या है? फुइला, कुतिला, ठीक है, कुतिबा तो खुली का बनाया गया, किसे बनाया गया? अल इंसान। तो अभी अल इंसान तो फाइल नहीं है ना, असल में अल इंसान मफूल भी था, ठीक है, लेकिन कहा गया उसे बनाया गया, फाइल छोड़ दिया गया। अब वो फाइल की जगह में आ गया तो क्या कहते हैं उसको? नायबुल फाइल, ये नायब फाइल है। नायब फाइल अरबी में क्या होता है? मरफू होता है। उसे बनाया गया, इंसान को बना, किससे बनाया गया? मिन तुइन, तुइन तुइन का माने में किया, क्या माने किया? गिलिन, ठीक है, मिन तीनिन, तीनिन, मिन के वजह से तीनिन, ये मरफू हो गया। अरबी में यही सब मरफू होता है, सब अरबी में क्या मरफू? हमारे मंसूब में फाइनल हो गया, हाँ और कुछ होगा बस, नहीं बहुत रेयर यूसेज है, ठीक है, मिन तीनिन, अल मंसूबात मिन अल अस्मा, माने क्या टाइटल होगा इसका? कौन कौन से ऐसे मंसूब होते हैं अरबी में, कौन कौन से ऐसे अरबी में मंसूब होता है, कब ऐसे मंसूब होता है अरबी में, इसम कब मंसूब हो जाता है? पहला क्या लिखा हुआ इसमु, इसमें अंडरलाइन गोल किसको कीजिएगा? अल इंसानु को, अल इंसानु को गोल कर दीजिएगा, ठीक है, अल इंसानु गोल कीजिएगा, मिन उद्दीन ने, अरे नायब फाइल कीजिएगा ना जिसे बनाया गया, नायब फाइल क्या कीजिएगा? गोल, माने नायब फाइल यहाँ क्या? अल इंसानु। खैर अब कौन कौन सा ऐसे मंसूब होता है? पहला क्या है? इस्मु इन्ना, इन्ना जब आता है तो अपना इसम को क्या कर देता है या मुक्तदा को चेंज कर देता है, इसमें इस्मु इन्ना में क्या करता है? मंसूब बना देता है। अल्लाह हो गया क्या? इन्नल्लाह
غفور وہی جملہ آگے نیچے میں تو اللہ لفظ یہاں پر کیا ہے منصوب اسم و انہ بول کر دیجئے اللہ بول کر دیجئے ٹھیک ہے اس کو بول کر دیجئے اللہ اس کے بعد اور کیا کیا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے منصوب اور کیا کیا ہوتا ہے منصوب خبر کانا خبرو کانا خبر کانا کانا کا خبر ٹھیک ہے کانا مانے تھا تو کانا طعام لذیذ کھانا تھا کیا تھا کھانا لذیذ تھا کھانا ٹیسٹی تھا اب نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا کلاس ہم لوگ کبھی بھی سامان لاتے ہیں بڑا بڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پہلا بولے کھانا کانا طعام لذیذ کھانا جو ہے وہ ٹیسٹی تھا اب نہیں ہے کانا طعام لذیذ کانا طعام طعام مانے کھانا تو الطعام تو مرفوع ہے نا اسے کانا وہ تو اوپر چلا گیا مرفوع میں یہاں ہم لوگ منصوب سیکھے تو منصوب یہاں پر کیا ہے لذیذن اس کو گول کر دیجیے یہ کیا ہے خبر کانا ایسا ہوتا ہے نا کان اللہ غفورا رحیما اللہ ہے غفورا معاف کرنے والا رحیما رحم کرنے والا تو لذیذن کہہ دیجیے گول خبر کانا ٹھیک ہے نا کوئی پرابلم نہیں نیچے مفعول بھی بتائیے یہ تو کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے جملہ کیا ہے فہم تو میں نے سمجھا کیا سمجھا درسا درسا کیا کر دیا درسا گول آبجیکٹ مفعول بھی نیچے آئیے چار نمبر کیا ہے مفعول فیہ میں نے ظرف یا تو وقت یا تو جگہ ظرف جو کرتے ہیں وہی ہے ظرف وقت یا جگہ مفعول فیہ بولتے ہیں اس کو سافرا سافرا کیا ہے مزید فیہ ہے یا مجرد ہے چار عرب ہو گیا مزید بھی ہو گیا چار عرب سفر استعمال نہیں ہو تو کیا استعمال ہوتا ہے سافر یسافر مسافر ٹھیک ہے سافر یسافر سیگا نمبر تین باب کیا باب مفعلا یا باب فعال ٹھیک ہے سافر یسافر جاہد یجاہد قاتل یقاتل ٹھیک ہے سافر ابھی میرے ابو نے سفر کیا کب کیا لیلن لیلن کیا یہاں پر مفعول فیہ یا آسانی سے کیا کہنا ہے ظرف ظرف زمان یا مکان ظرف زمان زمان کب کیا رات کو کیا میرے ابو نے سفر کیا رات رات کو یا رات میں کیا ہوگا اردو میں رات میں کیا سافر ابھی لیلن میرے ابو نے سفر کیا رات میں یہ ہو گیا ظرف زمان مفعول فیہ ظرف زمان اس کے دوسرا جملہ آ رہا ہے جلس المدرس مدرس بیٹھے کہاں بیٹھے عند المدیر مدیر کے پاس تو عند کیا ہے ظرف ہے یہ بھی بتاتا ہے جگہ تو عند یہاں پر ظرف ہے تو یہاں گول کس کو کیجیے گا لیلن کو اور عند کو ایک ہے ظرف زمان اور عند کیا ہے ظرف مکان ٹھیک ہے آئندہ کو کیا کیجیے گول کیجیے اس کے بعد پانچ نمبر یہ کیا مفعول ہے یہ بھی نہیں کیا مفعول لاجلہ یہ اس کا ایک اور نام مفعول لہ ایک اور نام کیا اس کا مفعول لہ مفعول بھی تو کیا ہے اس پر کام ہوا مفعول لاجلہ اس کا ایک اور نام کیا مفعول لہ لہ یہ اس کا یہ کیسا مفعول ہے یہ بتاتا ہے کام کیوں ہوا کام کیوں ہوا مانے ایسا اسم بھی آئے گا عربی میں جو منصوب ہوگا تو کیا بتائے گا وجہ بتائے گا اچھا کام ہوا جملہ میں تو کام کیوں ہوا وہ بھی کیا ہوگا منصوب ہوگا دیکھیں جملہ کیا ہے ما خرجت میں نہیں نکلا من البیت گھر سے کیوں نہیں نکلا وجہ آ رہا ہے خوفا ڈر کی وجہ سے کیا چیز کا ڈر من الحر مانے گرم گرم گرمی کے ڈر سے میں گھر سے باہر نہیں نکلا ہوا ہے آپ لوگ کے ساتھ میں ہاں لو چلتا ہے نا ما خرجت من البیت میں نہیں نکلا من البیت گھر سے کس وجہ سے خوفن گول کر دیجئے خوفن مفعول ہے یہ بھی ٹھیک ہے اسی لیے عربی میں کہ سب مفعول بھی ہوتا ہے مفعول فیہ ہوتا ہے مفعول لہو ہوتا ہے مفعول لہو ہے یہ ٹھیک ہے اردو میں کیا سب مفعول اسی لیے مفعول نہیں کہنا چاہیے اصل جو جس پر کام ہوا اس کو مفعول بھی کہنا چاہیے کیونکہ مفعول عربی میں بہت سارا ہو سکتا ہے
तो मफूलन भी गए जिस पर काम हो मफूलन भी ये क्या मफूलन लहू है इसका एक और नाम क्या मफूलन लिअजली ही कारण तो खौफन क्या है मफूलन लहू मफूलन या मफूलन लिअजली ही मिनल हर डर किसके किसके खौफ से गर्मी के खौफ से मैं घर से बाहर नहीं निकला ठीक है छह नंबर क्या मफूल माहू ये कौन सा दूसरा मफूल पांचवा मफूल कितना गिनने मफूल कितना हुआ पांच मफूल होता है अरबी में बस पांच चौथा है चौथा मफूल ठीक है मफूल माहू माहू माने क्या होता है काम हुआ किसके साथ मैंने आप कोई काम किए किसी के साथ काम किए कोई आपके बगल में था कोई आपके साइड में था उसके साइड में आप काम किए उसको कहते हैं मफूल माहू ये अभी तक आए नहीं ठीक है बाद में करेंगे खैर जुमला क्या देखिए सिर तू सारा यसीरु माने चलना सारा ये फेल है क्या फेल है फेल है जीवा ठीक है सारा सारा सारू सारत सारता सिर ना सिरता अना के लिए सिर तू मैं किसके साथ चला सिर तू वल जबला अब ये वाव भी एक आएगा सिर तू वल जबला प्रतिमा क्या होगा मैं चला पहाड़ के साथ साथ मैं पहाड़ के साइड से चलना ठीक है भैया और क्या कह सकते हैं जहाबा हामिदुन व खालिदन प्रतिमा देखिए जुमला देखिए जहाबा हामिदुन व खालिदन हामिद गया खालिद के साथ मनसूब जमन इसके साथ काम हुआ वो मफूल मन क्या सकता है इसका एक और तरीका हो सकता है ना डायरेक्ट महा इस्तेमाल करेंगे है ना महल जवली या जहाब हामिदुन महल खालिद महा खालिद खालिद के साथ ठीक है या इसको मफूल बना सकते हैं हम लोग ठीक है सात नंबर ये जबरदस्त है मैं पांचवा मफूल पांचवा और आखिरी मफूल क्या है ये मफूल मुतलक المفعول المطلق مفعول المطلق یہ کیا مفعول ہے ہاں اس کو الجبل جو ہے نا الجبل اس کو کیا کیجئے گا پورا مرفوع کر منصوب گول کر دیجئے حوالے کے کر سکتے ہیں بات نہیں حوالے کے کر سکتے ہیں الجبل جو پورا دیکھ اس کو گول کر دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد پانچواں مفعول ہے ساتواں نمبر مفعول مطلق یہاں دھیان دیجیے اس کو سمجھنا ضروری ہے مفعول مطلق یہاں میرے طرف دیکھیے مفعول مطلق یہ اس مفعول یہ مفعول مطلق اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مصدر وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مصدر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مصدر ایک جملہ میں استعمال ہوتا ہے اپنے فعل کے ساتھ میں معنی ایک جملہ ہے اس میں فعل استعمال ہوا اور اس فعل کا مصدر بھی استعمال ہوا ٹھیک ہے فیل بھی وہی معنی دے رہا ہے مصدر بھی وہی معنی دے رہا ہے مصدر کیا کہتے ہیں عربی میں اردو میں مصدر ہی کہتے ہیں انگلش میں وربل ناؤن تو جملہ دیکھیے دیا ہوا یہاں پر کیا جملہ یقرأ پڑھتا ہے کون پڑھتا ہے حامد یقرأ حامد حامد پڑھتا ہے کیسا حامد پڑھتا ہے قراءۃ جیدۃ حامد بہت بہترین پڑھتا ہے بہت اچھا پڑھتا ہے جید پڑھتا ہے اب یہاں دیکھیے یقرأ حامد قراءۃ جیدن جیدتن یقرأ یقرأ کا مصدر کیا ہے قراءۃ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاتے ہیں جملہ کو کیا دیکھیے لفظ کیا بنا خرج نکلا इसको इजाज़ को निकालते थे एक बार इजाज़ुन हाँ तो इजाज़ुन मेरे बातों को ज़्यादा करता है कि हर आजा ये इजाज़ुन इजाज़ निकला समझ इजाज़ कहीं फंसा हुआ है मैंने समझ ली सीन सोचिए इजाज़ भाई कहीं फंसे हैं मुश्किल में फंसे हैं कोई जगह पे पकड़ लिया कैद कर लिया अब भाग रहे एग्जिट खोज रहे रास्ता तलाश कर रहे मैंने बहुत मुश्किल है भागना वहां से निकलना ठीक है तो उसको बताना अरबी में कि बहुत क्या निकला एकदम मतलब फोर्स काट के निकला बहुत बेहतरीन तरीके से निकला डायरेक्ट निकल गया बिना किसी को बताए हुए निकल गया इतना सारा बात अरबी में बोलना है जो बात बोलने में आपको पांच लाइन लग जाएगा अरबी में उसको एक लाइन नहीं बोल सकते हैं क्या खरीद क्या लाएंगे उसका मजदर लाएंगे आप यहाँ पर
खराजा इजाजुन, इजाज निकला, मजदर क्या खराजा का खुरूजुन, जलसा का मजदर जुलूसुन, सजदा का मजदर सुजूदुन। यहाँ पर क्या लेंगे? खराजा इजाजुन खुरूजुन, ठीक है, खुरूजुन। अब उसका सिफत लाते हैं इस मजदर का, खुरूजुन सुजूदुन, हाँ पता हो लेंगे मस्त अच्छा खुरू जन, क्योंकि मफूल है, ये भी मफूल कर यहाँ बताइए खुरू जन। इसके बाद में अजीमन, अजीम जबरदस्त सिफत हो गया इसका खुरू जन। अब देखिए ये जुमला का मतलब क्या हो गया, बहुत जबरदस्त निकला, निकलना मुश्किल था, डायरेक्ट निकल गया, किसी को पता नहीं चला, सब सब माने निकल सकता है क्या एक जुमला। खराजा इजाजुन खुरूजन अजीमन, तो यहाँ पर खराजा तो इस्तेमाल हो गया निकलना, फिर से निकलने वाला लफ्ज कौन सा यहाँ पर है? खुरूजन, वही तो उसका मजदर है, वही जुमला का क्या है? मजदर है। और ये मजदर क्या हालत में है? मंसूब हालत में। क्या कह रहा था अरबी में? ये मफ़ऊलुन मुतलक, जुमला में ताकीद ला देता है और बहुत सारे माने ला सकता है जुमला में, ठीक है। खुरूजुन खुरूजन अजीमन, ये जुमला देखिए क्या जुमला यहाँ पर दिया हुआ, या करो हामिद, हामिद पढ़ता है किराअतन जय्यिदतन, किराअतन जय्यिदतन, बहुत बेहतरीन पढ़ता है हामिद, ठीक है, जिसका कोई मैच नहीं, मैंने सब तो माने निकल सकता है, ठीक है। जैसे कुरान में है ना, कुरान में आयत है रत्तिलिल कुरान, रत्तिल माने पढ़ो कुरान, कुरान को पढ़ो, कैसे पढ़ो? तर्तीलन, मस्दर रत्तला युरत्तिलु तर्तीलुन, उसका मस्दर जैसे है ना, पढ़े ना तसब्बहा युसब्बिहु तस्बीहुन, ठीक है, दर्रसा युदर्रिसु तदरीसुन, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलुन, वैसे क्या है रत्तला युरत्तिलु, पढ़ना ध्यान से तर्तीलुन, तो कुरान में क्या है रत्तिलिल कुरान, पढ़ो कुरान को, उसे माने ही हो रहा है, सही से पढ़ो तर्तीलन, और सही से माने सही सही से कुरान को पढ़ो, वजन कल वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमन, अब अल्लाह ने बात किया मूसा से, कैसा बात किया? डायरेक्ट बात किया, डायरेक्ट। अब कुछ मुतज़िला शख्स ने क्या कहने, नहीं अल्लाह बात नहीं किया मूसा अलैहिस्सलाम को, कुछ हुआ था मैंने बस वही हो गया अंदर में दिली दिली, कुछ लोग इनकार करते हैं नहीं अल्लाह ने बात किया, दिली दिल में बात नहीं, अल्लाह ने डायरेक्ट बात की, डायरेक्ट का माने कैसे निकल रहा है? तकलीमन भी आ गया, मजदर आ गया जुमला में, जुमला में फोर्स बढ़ गया, कल्लम अल्लाह मूसा, अल्लाह ने बात किया मूसा से, मूसा का इराब चेंज नहीं होगा क्योंकि क्या मकसूर है मूसा मूसा मूसा, कैसे बात किया? तकलीमन, कल्लम युकल्लिमु तकलीमन, मजदर बन मफूल बन गया तकलीमन, ठीक है। माने एक एक लफ्ज में मफूल मुतलक में फीका ही बदल जाता है माने का, माने फीका का मसला निकलता है इस तरह का अरबी गुलगत से, बस एक मंसूब जाने से मसला निकलता है, कल निकल सकता है। खैर मफूल मुतलक बहुत जबरदस्त चीज है, इंग्लिश में उर्दू में पाया नहीं जाता है मफूल मुतलक, उसको बताने के लिए दो तीन चार लाइन लिखना पड़ेगा एक मीनिंग निकालने के लिए, तफसीर करना पड़ेगा। उसके बाद आठ नंबर हाल, हाल भी अरबी में क्या होता है? मंसूब होता है। हाल क्या होता है? वही है हाल, ठीक है, हाल हाल माने कि कोई काम हुआ, काम करने वाले का हालत कैसा था, जनाब का हाल क्या था, ठीक है, फाइल की हालत, हाँ कोई भी चीज का हालत हो सकता है, जैसे कि यहाँ देखिए जद्दी, जद्दी मेरे दादा या मेरे नाना, जो आपको खुशी है बता नहीं, दादा या नाना जिससे प्यार ज्यादा करते हैं, तो जद्दी मेरे दादा मेरे नाना जी बोलिए, खबर आ रहा है युसल्ली, सात नंबर में ना किराअतन बस मफूल मुतलक है, किराअतन, ठीक है। कभी कभी जुमला में क्या होता है ना मजदर को उड़ा दिया जाता है, डायरेक्ट यही मिलता है, खराजा एजाजुन अजीमन, तो मजदर मफूल मुतलक का जगह ले लिया, उसका नायब हो गया, तब कहते हैं यही मजदर यही मफूल मुतलक है, ये असल मफूल मुतलक उसका फेल होता है, छुपा हुआ है उसका मजदर, तो छुपा हुआ है, कभी कभी ड्रॉप भी ऐसा मिल सकता है जुमला,
ठीक है, हम लोग जब करते हैं अब तक आए हम तो क्या चाहिए इधर आए इधर, ठीक है सब मकुल मुतलक किए इमरान। यहाँ देखिए जद्दी युसल्ली, युसल्ली क्या है, सल्ला युसल्ली, दूसरा बाप, बाप तफ़ईल, सल्लया युसल्ली ओरिजिनल था नाकिस ऐसी देखिए सल्ला मुकद्दरा हो गया, युसल्ली था मुकद्दरा दमा मुकद्दरा, युसल्ली सल्ला युसल्ली, ठीक है युसल सल्ला युसल्ली माने नमाज पढ़ना। तो मेरे दादा क्या करते हैं नमाज पढ़ते हैं, हालत क्या होता है उनका नमाज पढ़ने, कैसे पढ़ते हैं, कायदन बैठ कर पढ़ते हैं। तो हालत किसका हालत बताया जा रहा है, दादा का, जद्दू का हालत बताया जा रहा है। तो कायदन क्या है, हाल है, ठीक है, हाल अरबी में क्या होता है, मंसूब होता है, तो हाल है ये, हाल इसको क्या कीजिए गोल कर दिए, कायदन को बैठे बैठे सिटिंग पोस्चर में नमाज पढ़ते हैं, कायदन मंसूब है, ठीक है सब पढ़ेंगे, हाल आने वाला है, बहुल मतलब सब आने वाला है, नायब फाइल आने वाला है, ठीक है इंशाल्लाह। नौ नंबर अत्तमीज़ु, उर्दू में तमीज कहा जाता है इसको, असल क्या अत्तमीज़, ठीक है तमीज़ ये क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, पहले में ये दिक्कत हो रहा है, तो सुधीर रहता है वैसे ही मजदा रहना इसका, मई यदा जो मई यीज़ु तमीज़ उर्दू में बता दे एरिया बना दे तमीज़। अब देखिए जुमला क्या, तमीज किसको कहते हैं, जब शुभा हो जाए उसको वाजे करने के लिए एक इसम को लाया जाता है जो क्या होता है मंसूब हालत में होता है, जैसे अना अकबरु मिनका, मैं बड़ा हूँ, किससे बड़ा हूँ, मिनका तुमसे बड़ा हूँ, किस मामले में, किस हिसाब से आप बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, माल में बड़े हैं, किस में बड़े हैं, आप इल्म में बड़े हैं, बता रहे सिन्नन उम्र में बड़े हैं, सिन्नन वाजे कह रहे किस चीज में बड़े हैं, सिन्नन ये मंसूब है गोल कर दिए इसको, वजह क्या मंसूब होने का, ये तमीज है अनाकुर मिन का सिन्नन, जो सूरह कहफ में पढ़े हैं दो, जिसका ये रहता है बागीचा दिया जाता है जिसको अल्लाह ने बागीचा अता करते हैं, अल्लाह किसको इस शख्स को, तो उसका एक साथी रहता है, तो क्या कहता है वो शख्स की अना अकबरु मिनका, मैं बड़ा हूँ कुछ तुमसे, किसने बड़ा हूँ, सूरह कहफ में आयत नंबर 27 है, सही है ऐसे कुछ, किसने बड़ा हूँ, अना अकबरु मिनका मालन, मैं तुमसे माल में बड़ा हूँ, वो अअज्जु, अअज्जु से हो गया अअज्जु, और मैं ज्यादा इज्जत वाला हूँ, नफरन माने मेरे साथ ज्यादा आदमी लोग है, मेरा सिपाही लोग है, मैंने फोर्स मेरा ज्यादा है, अच्छा इस माने नफरन, तो भी ये कहता है अकबर मीन का मालन, माल में तुम, मैं तुमसे बड़ा हूं। दस नंबर क्या है अल मुस्तस्ना, ये भी बाकी अभी नहीं आया, अल मुस्तस्ना जुमला क्या, हदरतुल्लाह शागिर्द, शागिर्द शागिर्द आए कुल्लुहुम तमाम सबके सब सिवाय किसके, इल्ला आमिदन, इसका मुस्तस्ना कौन जो नहीं आया, एक्सेप्शन वो क्या होता है अरबी में मंसूब होता है, मरफू भी हो सकता है, उसका कायदा आएगा आखिरी चैप्टर में है, ठीक है सेकंड लास्ट चैप्टर में, ये दिल का मन तो कुल्लुहुम इल्ला आमिदन, कभी कभी वक्त निकालिए और आखिरी हर चैप्टर के तरफ थोड़ा गौर फिक्र करिए है क्या किताब के आखिर में, कितना समझ सकते हैं ये कभी कभी जुल्फकार में देखिए खोलिए लास्ट में, ठीक है अनीस भाई लास्ट बोल के देखा करिए क्या क्या लास्ट में कितना समझ में आ रहा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है अल्लाह आप लोगों को फहम दे बाकी सब को भी, आमीन। तो मुस्तस्ना क्या होता है, मंसूब होता है, नीचे आइए 11 में अल मुनादा, जिसको पुकारा जा रहा है वो क्या होता है मंसूब, अंडरलाइन होगा हामिदन, ऊपर अंडरलाइन होगा सिन्नन, मुनादा जिसको पुकारा जाता हो, या अब्दुल्लाह माने जो शख्स को पुकारा जा रहा है और उसका निस्बत हो रहा है, निस्बत हुआ है माने मुदाफ को पुकारा जा रहा हो, तो क्या होगा वो भी क्या हो जाता है मंसूब हो जाता है, तो अब्दुल्लाह से या लगा तो क्या हो गया या अब्दुल्लाह ही, या अब्दुल्लाह, ठीक है पेज पलट आइए, क्या चीज मुनादा मंसूब अब्दा हो गया, अब्दा को बोल कीजिएगा, अब्दा बोल सिर्फ अब्दा बोल कीजिएगा,
अब लास्ट देखिए क्या मजरूरात। मजरू इसे अरबी में सिर्फ दो ही वजह से होता है, बस यही दो वजह है। मरफू का मनसूख और कुछ वजह हो सकता है ग्रामर में एडवांस में, लेकिन मजरूर को अरबी में सिर्फ दो ही वजह से ही हो सकता है। हाँ मनसूबात था वो, अब मजरूर में जा रहे हैं। ठीक है, आमिर सोहेल का जो देखते हैं आप लोग देखे हैं उसके आखिर आखिर में 80 नंबर पार्ट के बाद से शायद चैप्टर अलग से हेडिंग है, टॉपिक है मनसूबात मजरूरात, उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, मजरूर इसम कब होता है? एक नंबर जब वो मुदाफ इलैह होता है, तो कर चुके हैं मिसाल अल कुरानु किताबुल्लाही, अल्लाह ही लफ्ज को क्या कीजिए गोल कर दीजिए मजरूर, कुरान अल्लाह की किताब है। दो नंबर कब होता है? जब वो हर्फ जर के बाद, हर्फ जर के बाद आता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे अरबी में? अल मसबूक दि हर्फी जर्र, अल मसबूक, मसबूक माने सबक यसबूकु, माने हर्फ जर जो इसम हर्फ जर के बाद होता है या जो इसम के पहले हर्फ जर होता है। दो नंबर क्या? हर्फ जर के बाद जो इसम आता है अरबी में क्या लिखा हुआ उसको अल मसबूक बि हर्फी जर्र, इतना लंबा जगह क्या बोलेंगे ना, इस्तेला ग्रामर इस्तेला आ रहा है, माने ऐसा इसम जो हर्फ जर के बाद हो। ठीक है, या ऐसा इसम जो जो इसम जो इसम मजरूर हो उसके पहले जो हर्फ है उसके बाद इसम, अल मसबूक बि हर्फी जर्र। ठीक है, प्रीसीडेड बाय हर्फ जर, इंग्लिश में आसान तर्जुमा हो सकता है, उर्दू में बहुत झमेला और तर्जुमा करने। ठीक है, ऐसा इसम जिसके पहले क्या होता है हर्फ जर, दे सही तर्जुमा उसका, ऐसा इसम जिसके पहले हर्फ होता है। मिसाल अब्दुल्लाह फिल फसली, शागिर्द क्लासरूम में है। ये खत्म, आप ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के जाने के पहले बता देते हैं कि आने वाला क्या होता है, क्या होगा नेक्स्ट, क्या चैप्टर देख रहे हैं? तवाबे माने क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ऐसा इसे तवाबे उस इसम को कहते हैं। ठीक है, जो दूसरे के हालत की पैरवी करता है, जो अपने से एराब नहीं फैसला करता है, जो किसी और इसम का तावे होता है उसका जो हालत है मेरा भी क्या वही हालत होगा। इसका एक फेमस मिसाल क्या है? सिफत नात, सिफत क्या होता है? जो मौसूम है वही मेरा भी हालत रहेगा। बदल, हाँ जिसके लिए हम बदली में आ रहे हैं उसका वही हालत रहेगा। ठीक है, ये आ रहे वाले इंशाल्लाह। ठीक है, ये भी पता है आपको है। ब्रेक लेते हैं अब, ये लंबा सेशन है, बहुत दिन के बाद लंबा हुआ है, एक घंटा 20 मिनट के आसपास स्टॉप कर दिया इसको।